चरित्र सुनने से पहले थोड़ा सा हमें इस बारे में बात, क्योंकि इसमें विश्वास और श्रद्धा दोनों में क्या अंतर है इसका पता चलता है। श्रद्धा और विश्वास क्या है? देखिए, श्रद्धा हमारी सभी में है, सभी धर्म में श्रद्धा है, परंतु सनातन धर्म में विश्वास है। सभी संतों में श्रद्धा है, परंतु गुरु चरणों में विश्वास है। सभी देवताओं में श्रद्धा है, परंतु अपने इष्ट में दृढ़ विश्वास है। श्रद्धा और विश्वास में यही अंतर है। तो ये हमारे प्रहलाद जी के चरित्र की भूमिका है, विश्वास। प्रहलाद जी को प्रभु चरणों में पूर्ण विश्वास था, और यही वो है जिन्होंने गर्भ में भक्ति प्राप्त की थी। गर्भ में भक्ति हो सकती है, हमने चर्चा की थी। हानि लाभ जीवन मरण अपयश यश अपयश विधि हाथ। महाराज, जब हिरण्याक्ष का वध हुआ, वराह भगवान ने महाराज पृथ्वी का उद्धार किया, रसातल से पृथ्वी को लेकर आए हैं। हिरण्याक्ष का वध हुआ है, तब क्रोध में भरकर प्रभु से प्रतिशोध लेने के लिए हिरण्यक्षिपु महाराज वन को गए हैं तपस्या के लिए। बड़ी बहुत वर्षों तक, देवताओं के 100 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की है। ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की, अखंड तपस्या। 100 वर्षों तक तपस्या की है महाराज, पूरा शरीर दीमक लग गई थी महाराज, पहचान भी नहीं आ रहा था, ऐसा वर्णन आता है। ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं तपस्या से प्रसन्न होकर। ब्रह्मा जी से कहा महाराज, ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगिए। अब महाराज वरदान मांगा, वरदान देना है तो दीजिए, मैं अमर हो जाऊं। अब महाराज, उस दिन हमने काल गणना की थी जब चर्चा की थी कि ब्रह्मा जी स्वयं अमर नहीं है, तो जो स्वयं ना हो वो वरदान कैसे दे सकता है। ब्रह्मा जी की आयु हमने बताई थी 432 करोड़ का 36,500 से गुणा करो तो ब्रह्मा जी की आयु आ जाएगी। ब्रह्मा जी बोले, महाराज मैं ही अमर नहीं हूं तो मैं कैसे कर दूं, और कुछ मांगू। तब महाराज बड़ी बातें उन्होंने कही हैं कि ना पूर्ण देवता से मरूं, ना महाराज दैत्य से मरूं, ना पुरुष से मरूं, ना जीव से मरूं, ना जंतु से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना बाहर मरूं, ना अंदर मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं। इस तरह से महाराज उन्होंने वरदान मांगा है। महाराज ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा है। इधर जब ये तपस्या के लिए गए थे तो उधर इंद्र ने महाराज आक्रमण कर दिया। इंद्र ने आक्रमण किया, इनकी पत्नी कायाधु को महाराज बंदी बना दिया, महाराज अपने साथ ले जाने लगा। मार्ग में नारद जी मिले, बोले ये तो स्त्री है, इसका क्या दोष है, छोड़ो इसे। तब इंद्र ने कहा, इसके गर्भ में उस हिरण्याक्षिपु का बीज है, वो पैदा हो जाएगा, उसे मारकर इसे छोड़ दूंगा। तब नारद जी ने कहा, इसके पुत्र को मारना तुम्हारे बस में ही नहीं है, तुम्हारी सामर्थ्य ही नहीं है तुम उसका वध कर सको, क्योंकि इसके गर्भ में जो है वो भगवान का अनन्य भक्त होगा, तुम उसे मार ही नहीं सकते, इसलिए इसे जाने दो। महाराज नारद जी की बात समझ आई है, प्रणाम करके कयाधु को छोड़ दिया। नारद जी उन्हें अपने आश्रम पर लाए, बोले पुत्री जब तक तुम्हारे पति वापस नहीं आते, महाराज वापस नहीं आते, तब तक तुम यहीं रहो। उन्हें महाराज भागवत धर्म का विशुद्ध ज्ञान दिया है, गर्भ में वही ज्ञान प्रहलाद जी को भी प्राप्त हुआ है। जब हिरण्यक्षिपु वापस आए हैं तो महाराज शिक्षा के लिए उनको गुरुकुल में डाला। महाराज पुराने समय में भी
गुरुकुल हुआ करते थे, वाइस चांसलर हमारे शुक्राचार्य जी थे, दैत्य गुरु असुर गुरु वही हैं। तो उनका दाखिला महाराज गुरुकुल में कराया। अब उन्हें तो जन्म से ही दिव्य ज्ञान था, प्रभु की भक्ति प्राप्त थी, परम भक्त थे, और जय विजय के समय में हमने चर्चा भी की थी कि स्वयं सनत कुमार सनकादिक ऋषि ही नारद जी के रूप में अवतरित हुए थे। इधर महाराज उन्हें गुरुकुल में डाला तो वो तो भगवान की बात करते थे, प्रभु के गुण गाते थे। अब राजा का पुत्र कैसे कोई कुछ कह दे उनसे, परंतु मन ही मन विचार करते थे कि दैत्ययम चंदन वने जातोयम कंटक द्रुम, कि दैत्यों के चंदन के वन में ये महाराज कांटों का झाड़ कहाँ से पैदा हो गया, ये विष्णु भक्त कहाँ से पैदा हो गया, जबकि होना उल्टा चाहिए था कि दैत्ययम कंटक वने जातोयम चंदन द्रुम, दैत्यों के कांटों के वन में चंदन का झाड़ कहाँ से आ गया। लेकिन उनके लिए तो महाराज वही सत्य है, शिक्षा देते रहे, वो महाराज अनन्य भक्त थे। महाराज बात करते करते बैठे बैठे ही ध्यान में जड़वत मग्न हो जाते थे, ध्यानस्थ हो जाते थे। एक बार महाराज पिता की इच्छा हुई, बुलाए, देखें क्या सीखा पुत्र ने, क्या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वहां पे। महाराज पिता के पास आए, अब जितने भी गुरुकुल के आचार्य थे सब थर थर कांप रहे थे। जैसे तैसे साम नाम दंड भेद उन्हें समझा कर, विष्णु की बात नहीं करना, जो हम बता रहे हैं वो बताना, लाए महाराज समझा के। पिता ने बड़े प्रेम से अपनी गोद में बिठाया, प्यार करने लगे, बोला बताओ बेटा क्या सीखा। तब प्रहलाद जी ने सुनाया महाराज, नैशाम मतिस्ताव दुरुक्रमांगी इस प्रशक्ति नर्ता पगमो यदर्थ मही असाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना न व्रणी दयावत। महाराज जिस सत्पुरुष ने, जिस भक्त ने भक्त की संतों की चरण रज से अभिषेक नहीं किया, लगाना नहीं अभिषेक करना कहा है, उसके उसकी बुद्धि काम कर्मों का सेवन करने के बाद भी प्रभु के चरणों को स्पर्श नहीं कर सकती। ओहो महाराज, हिरण्यकशिपु सुनते ही महाराज बौखला गया, उठा के पटक दिया महाराज भूमि में। क्या सीख रहा है महाराज, आचार्यों को बुला लिया, उनकी क्लास लगा दी, बोले क्या सिखा रहे हो तुम, इसे लेके जाओ दोबारा ढंग से शिक्षा दो इसे। वहां महाराज वो तो बाद में शिक्षा ग्रहण करते, वो तो असुर बालकों को पढ़ाने लगे प्रहलाद जी, उन्हें भी विष्णु का ज्ञान देने लगे। समय निकलता रहा, कुछ समय बाद महाराज फिर से उन्होंने बुलाया पिता ने कि अब क्या सीखा, अब पर पूछता हूं। प्रहलाद जी को फिर बिठाया प्रेम से, बोले बताओ पुत्र क्या सीखा। तब प्रहलाद जी ने बताया, महाराज पहले ही तुम्हारे समझ में आई, अब तो मैं पढ़ लिख के आया हूं, अब कहेगी। तब महाराज श्लोक सुनाते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य मात्म निवेदनम। नवधा भक्ति का उपदेश किया है, हे पिताजी प्रभु की भक्ति करने के 9 मार्ग हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण ये आचरण के विषय हैं, उसके बाद श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, फिर बताया पाद सेवनम अर्चनम वंदनम और दास्य सख्य आत्मनिवेदन। ये 9 महाराज प्रभु की भक्ति करने के मार्ग हैं। अब इसकी भी चर्चा बहुत बड़ी है, समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नवदा भक्ति के 9 आचार्यों का भी वर्णन है। इस नवदा भक्ति के अर्चना के आचार्य कौन है, पाद सेवन के आचार्य कौन है, सख्य के आचार्य कौन है, श्रवण के आचार्य कौन है। देखिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु,
श्रवण के आचार्य हैं परीक्षित जी, कीर्तनम कीर्तन के आचार्य हैं सुखदेव जी, स्मरणम स्मरण के आचार्य हैं प्रहलाद जी, पाद सेवन की आचार्य हैं लक्ष्मी जी, अर्चनम अर्चना के आचार्य हैं प्रथु जी महाराज, वंदना वंदना के आचार्य हैं हमारे अक्रूर जी, दास्य दास्य के आचार्य हैं हनुमान जी, सख्य सख्य के आचार्य हैं अर्जुन, और आत्मनिवेदन के आचार्य हैं बलि महाराज। ये नवदा भक्ति के 9 आचार्य हैं। नवदा भक्ति का उपदेश किया है महाराज, पिता तो आग में क्रोध में आग बबूला हो गए महाराज, उठा के पटक दिया मार दो ऐसे। अब महाराज पहाड़ों से फेंकवाया महाराज, समुद्र में फेंकवा दिया, शूल से मर्म स्थानों पे घाव किए हैं, बुआ जी को बिठा दिया होलिका को, महाराज बुआ भस्म हो गई वो बचने, तरह तरह से यत्न किए हैं महाराज, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में महाराज फिर बात हुई है तो उसने कहा है प्रभु तो महाराज प्रहलाद जी कहते हैं सर्वत्र है। तब हिरण्याक्षिपु ने आग बबूला होकर एक श्लोक कहा है कि यस्त्वया मध्य भागोक्तो मदन्यो जगदीश्वरः क्वासि यदि सह सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। हे मंद बुद्धि, तेरी मति भ्रष्ट हो चुकी है, तो निश्चित ही मरना चाहता है, परंतु यदि तेरा विष्णु सर्वत्र है तो मुझे इस स्तंभ में क्यों दिखाई नहीं देता, क्या यहाँ भी है? प्रहलाद जी ने कहा वो सब सब जगह विद्यमान है, सर्वत्र है। महाराज प्रहार किया है, कड़कड़ की आवाज हुई है, अंदर से महाराज नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, देखकर महाराज चकित हो गया, ऐसा विलक्षण स्वरूप, जैसा जैसा उसने वरदान मांगा था वैसी वैसी ही उसे मृत्यु प्रदान की। उसने कहा था न जीव हो न पशु हो, नर सिंह न जीव थे न पशु थे, ना महाराज दिन में मरूं ना रात में मरूं, तो गौधूली मेले का समय था, संध्या का समय था, ना दिन था ना रात थी, महाराज ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, तो चौखट पे मारा, ना अंदर मारा ना बाहर, चौखट पे ले जाके मारा, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, महाराज नख से उसका पेट चीर दिया, ना धरती पे मरूं ना आकाश में, जंगा पे रख के मारा, जैसा जैसा उसने वरदान मांगा था उसी के अनुरूप उसे मृत्यु प्रदान की। महाराज देवता चाणर गंधर्व ऋषि मुनि संत ब्रह्मा विष्णु सभी, ब्रह्मा जी शंकर जी सभी प्रकट हुए, सभी ने बहुत सुंदर स्तुति की है, बड़ा विलक्षण रूप था नरसिंह भगवान का। इधर महाराज प्रभु का रौद्र रूप शांति ही नहीं हो रहा था, महाराज दहाड़े जा रहे थे, सारे देवता महाराज भयभीत होकर धोती पकड़ के इधर उधर भागे, कैसे शांत करें प्रभु को। लक्ष्मी मैया का आह्वान किया, बोले माता संभालो, माता जी सामने गई देख के वापस आ गई, मेरे बस की नहीं है महाराज, मैं तो चली, तुम देखो अपने आप। फिर महाराज ब्रह्मा जी प्रहलाद जी के पास गए हैं, प्रहलाद जी से कहा है तुमने बुलाया तुम संभालो, जाओ प्रभु आ गए। प्रहलाद जी महाराज पास गए हैं, सिंह देखिए सिंह कब तक दहाड़ता है, जंगल में जब सिंह दहाड़ता है तो सारे जितने भी जंतु हैं सब भयभीत हो जाते हैं, परंतु सिंह का बच्चा आनंद में आ जाता है, तो वही प्रहलाद जी थे, उन्हें तो बहुत आनंद हो रहा था कि मेरे प्रभु आज नरसिंह वेश धर के आए हैं। और सिंह कब तक दहाड़ता है, जब तक उसका बालक उसे ना मिल जाए, मिलने के बाद क्या करता है, प्रेम से अपने पास बिठाएगा, पुचकारेगा, चाटेगा। वही महाराज जब प्रहलाद जी सामने प्रकट हुए हैं तो नरसिंह भगवान ने बड़े प्रेम से उन्हें अपनी गोद में बिठाकर उसे चाटने लगे, सभी ये सुंदर दृश्य देख कर आनंदित हुए हैं, तरह तरह से स्तुतियां की हैं, प्रभु भी महाराज प्रसन्न हुए, प्रहलाद जी का राज्य अभिषेक किया है।
अंत में फिर वही प्रभु ने कहा है, मांगो वत्स, क्या वरदान चाहिए? बोले वरदान तो निश्चित है, वरदान लो और जान छोड़ो, हर बार की यही बात है। परंतु प्रहलाद जी कहते हैं, मां मां प्रलोभयोत्पत्त्या आसक्तम कामेशु तेरवरे तत्संग भीतो निर्विण्णो मुमुक्षुस्त्वा उपाश्रितः। हे प्रभु, मैं तो बचपन से ही भोगों में आसक्त रहा हूं, मेरे पिता तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, मुझे भोगों की क्या लालसा? मैं तो बाल्यावस्था से ही भोगों में रहा हूं, मुझे भोगों की लालसा नहीं है। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो एक वरदान मैं जरूर मांगूंगा आपसे। तो उन्होंने क्या वरदान मांगा प्रभु से? कामानाम हृद संग्रोहम भवतस्तु व्रणे वरम, कि हे प्रभु, मेरे हृदय में कामना का बीज ही अंकुरित ना हो। कामना तो जब होगी जब बीज होगा, ऐसा वरदान उन्होंने मांगा। फिर कहते हैं, नाथ योनि सहस्त्रेशु येशु येशु भजाम्यहम तेषु तेषु अच्युता भक्ति अच्युतास्तु सदा त्वयि। हे प्रभु, मैं किसी भी योनि में जन्म लूं, कहीं भी जाऊं, मुझे कोई परवाह नहीं, परंतु जिस भी स्थान पे रहूं, जिस भी योनि में रहूं, आपके चरणों का ध्यान मुझे सदैव बना रहे, बस इतनी मुझ पे कृपा करना, यही मेरा आप वरदान में मांगता हूं। ऐसा महाराज प्रभु ने उनको वरदान दिया है। अंत में अपने धाम को बना रहे हैं, बोलिए नरसिंह भगवान की जय। जय जय श्री राधे, श्री राधा नयनानंद महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। हरी।